वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइस। राधे राधे, जय माता दी ऑल। सो गाइस, आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि आज हम करने वाले हैं कुछ नया। क्या नया करेंगे अभी डिसाइडेड नहीं है, आगे के ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि हम क्या नया करेंगे। बिकॉज हम मोस्टली कुछ इन्वेंशन करते हैं तो ऑन द स्पॉट कर देते हैं। सो गाइस, बस यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग व्यूज़ दीजिए। इतने बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स आ रहे हैं आपके सामने। कल पंडित जी का इंटरव्यू व्लॉग्स आया आपके सामने, तो आप बहुत ही कम व्यूज़ दिए हैं। गलत बात है गाइज, तो बहुत ही कम व्यूज़ दिए हैं आपने गाइज। उसमें आपको ज़्यादा ज़्यादा व्यूज़ देने हैं, और आप कमेंट नहीं कर रहे हैं। कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई, मेरे व्लॉग्स आप लोगों को पसंद आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और गाइज, नाश्ता पानी डन हो गया। आज थोड़ा सा लेट मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है एक्चुअली। सो गाइज, आज बनाया है हमने लंचनी है भिंडी की सब्जी, जो कि हमारी ऑल टाइम फेवरेट। सो गाइज, आज भिंडी बन गई है। भिंडी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और अब मैं सोच रही हूँ कि अब आज आपके साथ गट्टे की रेसिपी जो है शेयर की जाए, जो कि गट्टे की रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है, सब लोगों को पसंद है और सब लोग उसे खाना पसंद करते हैं। राजस्थानी रेसिपी है ये, तो गाइज डेफिनेटली मैं आपको साथ शेयर करती हूँ। और गाइज, अलमारी का हाल हो रहा है बहुत ही बेकार। अभी मम्मी आई थी तो ठीक कर गई थी, अब दोबारा सारा हाल बेकार कर दिया है। देखो आप अलमारी का हाल, ये देखो सारा सब, ये जो है ये जो है अक्षित का, ये वाला जो कबर्ड है ये अक्षित का है। उसने देखो सारा निकाल निकाल के क्या हाल कर रखा है अलमीरा का। तो गाइज मैं चलती हूँ अलमीरा सेट करने, फिर आपको बताती हूँ कि कैसे सेटअप किया है मैंने। सो गाइज, काम वाम मेरा डन हो गया है, सारी साफ सफाई चकाचक हो गई है। और गाइज, जन्माष्टमी आ रही है, इतनी सारी तैयारियां करनी है मुझे, मंदिर भी अच्छा सजाना है मुझे, घर की और साफ सफाई करनी है, सारे पर्दे वर्दे सब साफ करने हैं, बढ़िया तरीके से घर की साफ सफाई करनी है गाइस, क्योंकि जन्माष्टमी इज सो प्रीशियस फॉर मी, बिकॉज आई लव ठाकुर जी, सीरियसली आई फॉल इन लव विद हिम, सीरियसली गाइस। तो गाइस, ठाकुर जी के लिए बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है मेरे को, तो मैं क्या करूँ, मैं तो कंफ्यूज हो रखी हूँ यार। एकदम से जन्माष्टमी आ गई, पता ही नहीं चला, दो दिन बाद जन्माष्टमी है गाइस, तो उस दिन मेरा फास्ट भी होता है, और बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है, भोग भी बनाने होते हैं उनके लिए, एक स्पेशल तरीके के मैं उनके लिए मीठा भोग बनाती हूँ, वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी गाइस कि कौन सा भोग मैं उनके लिए बनाती हूँ हर जन्माष्टमी पे। और अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही बढ़िया गट्टे की रेसिपी, जो कि हमारी ऑल टाइम फेवरेट है, वी ऑल लव दिस रेसिपी। कार्तिक बीच में मत बोला कर जब व्लॉगिंग करती हूँ। सो गाइज, बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है, और कार्तिक को बहुत पसंद है, दो तीन दिन से पीछे पड़ा है, मम्मी गट्टे बना लो गट्टे बना लो, मैंने कहा ठीक है गट्टे बना लेते हैं। तो गाइज देखिए, उसके लिए मैंने क्या ले, देखिए मैंने बेसन ले लिया है, ये है 2-2.5 कटोरी बेसन है गाइज ये, ठीक है, इसलिए ले लिया है मैंने, बच जाएगा तो हम कल भी खा लेंगे, क्योंकि हमें गट्टे की सब्जी इतनी पसंद है कि हम दो दिन तो भाई खाते ही हैं, अच्छी लगती है हमें। सो गाइज, इसमें मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया है, नमक डाल दिया है मैंने, इसमें थोड़ी सी मिर्च नमक मिर्ची धनिया पाउडर सब कुछ डाल दिया है गाइज, और मैंने इनको मिक्स कर दिया है। और अब मैं जा रही हूँ उसको आटा की टाइप में, मतलब आटा लगाने टाइटली सा, और इसमें गाइज थोड़ा सा मैं ऑयल भी डालूंगी, ताकि जब हम इसको बॉईल करेंगे तो उस टाइम पर इसमें सॉफ्टनेस अपने आप ही आ जाएगी। सो गाइज चलते हैं फटाफट से इसको गूंदने के लिए। गाइज गूंद रहा है गट्टे का आटा, ये गट्टे का बढ़िया आटा बन रहा है। और गाइज मम्मा जो ग्रेवी होती है ना इसकी, क्या टेस्टी ग्रेवी बनाती है मैं आपको बता नहीं सकता। गाइज देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, मतलब अभी बना नहीं है और इतने अच्छे बनते हैं कि एक के, अरे मेरा मुंह क्यों दिखा रहा है, एक के बदले हम 2 रोटी खा जाएं, या 2 के बदले 3 रोटी, इतना टेस्टी और है। 3 के बदले 4, 4 तो खैर नहीं खाते मैं तो नहीं खाती, 4 कोई नहीं खाता, मैं भी नहीं खाती, तू भी नहीं खाता, पप्पा जी भी नहीं खाते। गाइस देखिए आ गया वो वैन वाला, आ गया बिल्कुल। गाइस भाई साहब को मम्मा ने पढ़ने के लिए बिठा रखा है, पर ये बढ़िया लगे खेल में। और गाइस मैं अभी अभी स्कूल से आया हूँ, कई आइसक्रीम बेच रहे हैं भाई साहब, अरे वाह गाइस देखो 10 रुपए की आइसक्रीम 20 की बेच रहा है।
तो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस इस तरीके का डो कुछ आपको तैयार करना है। इसमें हमने तेल वेल भी डाल दिया, ये देखिए, और साथ के साथ मैंने आधे इसमें ऐसे रोल रोल करके कट कर करके पीस ऐसे डाल दिए इसमें मैंने उबलते पानी में। और इसको हमें बॉईल करना है। बॉईल करके जब ये टोटली गाइस पक जाएंगे ना, व्हेन इट विल बी कुक टोटली, सो ऑटोमेटिकली ऑल दीज गट्टास विल कम अप, अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे, ये देखना अभी। सो गाइस आपको भी ऐसे ही करना है, रोल रोल करके कट कट करके ऐसे डाल देना पानी में, ठीक है। परवीन भैया आए हैं कि पर्ची कटवाने भैया, काहे की पर्ची कटवाने आए हो? तो कितने प्रकार की झांकी आ रही हैं? 7 प्रकार की। कौन कौन सी? खोल ले दरवाजे, खोल ले, वीडियो बनाते हैं। कौन कौन सी आ रही हैं? भोले बाबा, पार्वती, काली माता, राधा कृष्ण, अघोरी वगैरह सब आएगी। अघोरी भी आएगी। और हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या रखा है? देखो भंडारा करेंगे अभी। हमारे तो व्रत होंगे। व्रत होंगे नहीं, उसके अगले दिन फल वल बांटेंगे। अच्छा, अगले दिन भंडारा करेंगे। काली जी की झांकी भी आ रही है? हाँ, सही है, काली बुलाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वहीं करोगे उस तरफ को जहाँ बनाते हो स्टेज मंदिर पे? हाँ। अपने मंदिर के इस तरफ को? हाँ। चलो बहुत बढ़िया, बहुत झापानी दो, पानी केले का पानी पिलाऊ? पिला दो। चल देखिए, बॉईल करके मैंने गट्टे यहाँ पे रख दिए और कितने मजेदार से दिख रहे हैं ये। मन करता है फ्राई करके ऐसे ही खा लो इनको, ये देखो। मस्त है ना। सो गाइस साथ ही में अब यहाँ पे मसाला प्रिपेयर हो गया है। मसाला कह रही थी मैं, मसाला प्रिपेयर हो गया है एक्चुअली। यहाँ पे मैंने लहसुन, प्याज, अदरक। गाइस अब थोड़े बस 2-4 दिन की बात है, हमारी लक्ष्मी पूजा स्टार्ट होने वाली है, फिर से लहसुन प्याज बंद होने वाला है हमारा। तो गाइस जल्दी जल्दी 2-4 दिन खा लेते हैं, अदरवाइज फिर तो बंद होने वाला है 16 डेज के लिए। फिर गणेश जी भी आ जाएंगे तो फिर नहीं खाना है। तो गाइस ये बढ़िया तरीके से स्पाइसी फूड बना दिया है मैंने। सो जिसको कार्तिक आवाज कम कर बेटा, जिसको स्पाइसी फूड पसंद है वो मुझे बता सकते हैं कि किस किस को पसंद है। गाइस अरे गाइस खानी चाहिए तीखी सब्जी। गाइस तीखा खाओगे तो तीखा बोलोगे ना। तीखा बोलना भी तो जरूरी है भाई, आजकल तीखा बोलने वालों का ही जमाना है ना गाइस। भाई मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, वैसे भी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ मैं, लोगों को बुरा लग जाता है मेरी बातों का, पर बोलती सही बात है गाइस। तो गाइस टॉपिक पे आते हैं। ये मसाला देखिए बढ़िया है, बन गया है और बढ़िया तरीके से ये भुन गया है। अब मैं इसमें ग्रेवी करके और इनको गट्टों को छोड़ दूंगी, बॉईल करके बंद कर दूंगी। ये हमारा डिनर प्रिपेयर हो गया है। गाइस टाइम से डिनर प्रिपेयर कर लेते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आटा गूंद के रख दूंगी, सब्जी बना दिया है, बच्चों को पढ़ाने के बाद फिर मुझे पूजा वगैरह भी करनी होती है, कार्तिक को भी पढ़ाना होता है, तो मुझे टाइम मिल जाएगा। गाइस फटाफट से चलते हैं, 2 बज गए हैं, बच्चों को सुलाती हूँ, 4 बजे से बच्चे आ जाएंगे, उसके बाद आपसे मिलती हूँ गाइस। और प्लीज ये वाली रेसिपी ट्राई कीजिएगा जिसे नहीं आती है, जिनको आती है बहुत अच्छी बात है। कई लोग इसमें दही भी मिलाते हैं बट दही मिला के मैं नहीं बनाती। कई लोग इसमें लस्सी भी ऐड कर देते हैं बट मुझे वो पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा टमाटर डाल के बना देती हूँ। सो गाइस बस इसी के साथ ब्लॉग एंड नहीं करते हैं, थोड़ी देर में मिलेंगे आपसे। गाइस गर्मा गर्म गट्टे की सब्जी बन के तैयार है। सो जिसको खानी है जल्दी जल्दी आ जाओ गाइस, मज़ा आ रहा है देख के ही, तो सोचो खाने में कितना मज़ा आएगा ये देखो। और बढ़िया स्पाइसी स्पाइसी सब्जी बनी है। बहुत सारे मेरे भाई लोग ऐसे हैं जिनको स्पाइसी खाना पसंद है, तो वो लोग आ सकते हैं, खा सकते हैं। सो गाइस सारा काम वाम डन हो गया है, खाना पीना बन गया है, अभी खाया नहीं है, मैं बैठी थी। गाइस जन्माष्टमी परसों की है, क्योंकि वृंदावन में परसों की मन रही है, तो हम लोग तो भाई परसों की ही मना रहे हैं, क्योंकि जो वृंदावन में होता है वही फॉलो करते हैं हम, बिकॉज वी आर ऑल्सो फॉलोवर ऑफ ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान। सो माँ काली एज वेल एज काली माँ ऑल्सो, या सो वी हैव टू फॉलोवर ऑफ बोथ माँ काली एंड ठाकुर जी। सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द जन्माष्टमी ऑन 19th August। तो गाइज बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है घर की, और अच्छे से सफाई करनी है। वैसे तो घर साफ ही रहता है, आपको पता ही है कि मैं कितना काम करती हूँ, अपनी तारीफ अपने आप कर रही हूँ। और गाइस कल और अच्छे से तैयारियाँ करनी है, मंदिर भी चमकाना है, और गाइस उस दिन इनकी छुट्टी भी नहीं है तो झूला वगैरह भी सजवा के लाना है, बहुत सारे काम करने हैं गाइस, क्या क्या करेंगे। और गाइस वृंदावन जाने का बहुत इच्छा थी बट इस टाइम पे भीड़ बहुत भयंकर होगी, दर्शन करना भी मुश्किल हो जाएंगे, इसलिए अभी तो नहीं जा रहे वृंदावन, फिर देखते हैं जब ठाकुर जी का बुलावा आएगा तो ज़रूर जाएंगे।
तो गाइस जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं, आपको सारा व्लॉग दिखाऊंगी मैं जन्माष्टमी का। गाइस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आप लोग व्यूज़ बहुत कम दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए मेरे व्लॉग्स। सो गाइस इसी के साथ अपना व्लॉग को एंड करती हूँ, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, गट्टे की सब्जी खानी है, फिर जल्दी से फटाफट से सोना भी है क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है। सो इसी के साथ अपना व्लॉग एंड करते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए गाइस। राधे राधे, जय माता दी ऑल। कल